हेलो एवरीवन, फूड मेरी दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पीने के लिए जा रहे हैं गन्ने का रस, और वो भी हाथ से निकला हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? इसरार। नहीं, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कितने टाइम से आ रहे हैं? हो गए 15 साल। शुरू से कितने आ रही है ये वाला? शुरू से। मेरी यूनिवर्सिटी से पहले कहाँ पे लगाते थे? नहीं लगा रहे थे। क्या मैं आपकी एज जान सकती हूँ? 50 साल की। इसमें काफी ज्यादा पावर लगती है एक्चुअली इसे निकालने के लिए। तो आप बताइए कि कितने रुपए ग्लास देते हैं आप? 20 का, 30 का, 40 का। हाथ से शुगर केन जूस निकलने के लिए जा रहा है। आप देखिए इन्होंने, आप कितने मतलब कितना निकल जाता होगा, कितने गन्ने एक साथ निकालते हैं आप? ये गन्ना एक बार। अच्छा, ये आप फर्स्ट गन्ना हमारा अंदर ये जा चुका है, दोबारा से जा रहा है ये। ये देखिए, मैं हैंड मशीन जो फर्स्ट टाइम देख रही थी कि हाथ से गन्ने का जूस। वैसे क्योंकि दिल्ली में तो नॉर्मली हाथ से बहुत ही मतलब रेयर है देखना, क्योंकि यहाँ पे तो मशीन आ गई है दिल्ली में, तो फिर यहाँ पे मोस्टली आप 90% मशीन ही देखेंगे। और इसमें ये डाल दिया पुदीना, ये पुदीना एक, इसमें काफ़ी मतलब इसमें पुदीने का भी एक तरीके से जूस निकल जाएगा इसके साथ। और अब इसमें लेमन भी डालेंगे ना बाद में, इसमें नींबू भी पड़ेगा बाद में। देखिए एक गन्ने से कितना सारा जूस निकल चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है नीचे। ये देखिए छलनी में छन के प्रॉपरली, और ये कट गया हमारा लेमन, और लेमन भी रख दिया बीच में। एंड नाउ फिर से देखिए एक गन्ने में कितना सारा जूस निकलता है। काफ़ी गन्ने भी हाई क्वालिटी के होंगे। और ये हमारा जूस यहाँ पे कलेक्ट हो गया है, और उसमें इन्होंने आइस डाली हुई है। ये देखिए काला नमक, अच्छा काला नमक डाल दिया इसके अंदर। और अभी सर्व होगा ग्लास में। ये पूरा कितने में गन्नों में भर जाता होगा? ये 3 गन्ने में 4 गन्ने में। अच्छा, 3-4 गन्ने में पूरा ये भर जाता है। अब हमारा ये गन्ने का जूस, हैंडमेड गन्ने का जूस आ चुका है। ये देखिए टाइमिंग्स बता दीजिए, अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो कितने बजे से कितने तक लगाते हैं यहाँ पे? 11 बजे से रात के 8 बजे तक। एड्रेस बता दीजिए अगर किसी को यहाँ आना हो तो। ये है विश्वविद्यालय गांधी भवन। तो आप यहीं पर ही रहते हैं या फिर आप कहीं घूमते रहते हैं? नहीं, घूमते ही लगाते। अच्छा, हम यहीं पर ही लगाते हैं। मेरे पास ये हैंडमेड शुगर केन जूस आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा है। गर्मियों का सीजन आ रहा है तो उसके लिए ये परफेक्ट चॉइस है शुगर केन का जूस। और इसमें जो इन्होंने मिंट डाला है और जो लेमन डाला है शुगर केन जूस के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग है। और अगर आपने कभी हैंडमेड शुगर केन जूस नहीं पिया तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें। मैं तो, अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ट्राई जरूर कीजिए। और अगर मैं मिलूँगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।